तू गे है? हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूं? या तो ये मर जाए कंबख्त या मैं मर जाऊं। गे है तो मैं कैसे छुपाऊंगा सबसे कि मेरा बेटा गे है? अगर सबको पता चल गया तो मैं मर जाऊंगा शर्म से। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तूने। तेरी वजह से आज पुलिस घर आ गई। मोहल्ले वाले अब हमें जीने नहीं देंगे। अरे यो, बोलती क्यों नहीं अब तू कुछ? देख तेरा लाडला क्या कर रहा है। ये लड़के घर बुलाता है चोरी से। कैसी माँ है तू? सब कुछ तेरी वजह से हुआ। तेरे ही लाड़ प्यार ने इसे ऐसा बना दिया। इसकी वजह से आज हमारे घर पुलिस आ गई। मोहल्ले वाले अब तरह तरह की बातें करेंगे। हम तो बर्बाद हो गए। हम तो घर से बाहर नहीं निकल सकते अब। हे भगवान, क्या होगा अब? मैंने अपने पिताजी से माफी मांगी तो उन्होंने धक्का मार दिया और कहने लगे, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। मैं रोते रोते अपने कमरे में आ गया और सोच में पड़ गया कि आज मेरे साथ ये क्या हो गया। हे, कैसे हो? या आई एम फाइन, तुम बताओ। बस यार, जल्दी करो, बातें बातें बाद में कर लेंगे। अभी जो करने आए हैं पहले वो कर लें। आ जाओ मेरे पास। अरे यार, आराम से। आह, मजा आ गया आज तो। तुम्हारी फैमिली कहाँ है? यही है, साथ वाले रूम में। मम्मी डैडी सो रहे हैं। ओह ओके। यार मुझे वापस जाना है। मेरे पास ना कैब के लिए पैसे नहीं हैं। क्या तुम दे सकते हो? मैंने उसकी तरफ बड़ी हैरानी से देखा और उसकी चाल को समझ गया, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत दिखाई और कहा, नहीं, अभी मेरे पास नहीं है पैसे। अरे यार, कम ऑन, ऐसे कैसे हो सकता है? थोड़े बहुत पड़े होंगे, देखो। अच्छा चलो, 2,000 दे दो, फिर मैं चुपचाप चला जाऊंगा। चुपचाप? चुपचाप चला जाऊंगा मतलब? हाँ चुपचाप। नहीं तो क्या, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो क्या? समझदार हो बड़े। हाँ मैं समझदार हूं,
और ये सुन लो, अगर ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो मैं शोर मचा दूंगा कि चोर घर पे आ गया है, इसलिए चुपचाप तुम यहां से निकल जाओ। उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और चुपचाप चला गया। मुझे ना जाने क्यों डर सा लगने लगा, अपने किए पर बड़ा पछतावा होने लगा। मैं डर गया था कि ये क्या हो गया मेरे साथ, अगर ये सच में मम्मी डैडी को उठा देता या शोर मचा देता तो मेरा क्या होता, तो मैं क्या करता। अभी ये सोच ही रहा था कि थोड़ी देर बाद डोर बेल बजी। जैसे ही डोर बेल बजी मैं एकदम से सहम गया, कोई डोर बेल बजा रहा था और बजाए ही जा रहा था। मेरे मम्मी डैडी उठ गए और डैडी ने दरवाजा खोला तो क्या देखा कि सामने पुलिस थी और पुलिस के साथ वो लड़का भी। यह देखकर तो मेरे पांव तले जमीन निकल गई। हां जी क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, मेरे डैडी ने पूछा। जी ये लड़का, इसने कंप्लेंट की है कि आपके बेटे ने इसका रेप किया है। क्या क्या बकवास है ये। बकवास नहीं, आप अपने बेटे से ही पूछो। क्यों बोलते क्यों नहीं, अब बता अपने बाप को कि तूने मेरे साथ क्या किया था। इंस्पेक्टर साहब इसने तो मेरी इज्जत लूट ली, इज्जत, मुझे क्या पता था कि ये ऐसा करेगा। मैं तो बस यूं ही मिलने आया था इससे, लेकिन इसने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की और मुझे मारा भी। ये देखो मेरी पीठ पे निशान कितने पड़े हैं और मेरी गर्दन पे भी, इसने किस तरह मेरा नोच नोच कर रेप किया है। मेरे मम्मी डैडी यह देखकर और सुनकर एकदम दंग रह गए, उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ मेरे पास आई और कहने लगी, क्या बोल रहा है यह लड़का, क्यों आई है पुलिस, चुप क्यों खड़ा है तू, बोलता क्यों नहीं कुछ। लेकिन मैं बोलता भी कैसे, मैं फंस चुका था अब। मैंने कहा भी और अपने मोबाइल पर सारी चैट भी दिखाई कि यह खुद अपनी मर्जी से यहाँ आया था, लेकिन पुलिस वाले चैट देखने को तैयार ही नहीं थे। पुलिस को तो बस जैसे उस लड़के की ही बात माननी थी। ये साफ जाहिर था कि पुलिस भी उस लड़के से मिली हुई है। इंस्पेक्टर ने हथकड़ी निकाली और मुझे पुलिस स्टेशन साथ चलने के लिए कहा। मेरे डैडी ने उन्हें रोका और बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। कहने लगे, अगर ज्यादा शोर किया तो तुम्हारी ही इज्जत खराब होगी सोसाइटी में, लोग उठ जाएंगे और तुम्हारे बेटे की बदनामी होगी, उसका भी करियर खराब हो जाएगा। हमें अपना काम शांति से करने दो, और अगर नहीं चाहते कि हम इसे लेकर जाएं तो हमें 5 लाख रुपए दो। जी हाँ, उन्होंने सीधा सीधा हमसे रिश्वत मांगी 5 लाख रुपए की। हम तो फंस चुके थे, लेकिन अगर मना करते तो जाहिर सी बात है वो शोर शराबा करते और सारी सोसाइटी को पता चल जाता। डैडी ने बड़ा समझाया कि इतने पैसे कहाँ से लाए, हम हमारे पास नहीं है इतने पैसे। बड़ी मिन्नते की हाथ जोड़े, बड़ा समझाने के बाद वो 2 लाख में माने। अब ये नहीं पता कि वो असली पुलिस वाले थे या नकली, लेकिन वो पैसे लेकर चले गए और दोबारा कभी नहीं आए। उसके बाद मुझे पिताजी ने साफ साफ कह दिया कि मैं अपना बंदोबस्त कहीं और कर लूं। एक गलती की वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, मैं अपने परिवार से अलग रह रहा हूँ। काश उस समय मैंने थोड़ा सा संयम रखा होता और किसी अनजान आदमी को अपने घर आधी रात को ना बुलाया होता तो आज मैं भी अपने परिवार के साथ रह रहा होता। पर जो हुआ वो बहुत बड़ी गलती थी मेरी। मुझे अपने माँ बाप से कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरी वजह से जो मेरे माँ बाप की बेइज्जती हुई और इतना नुकसान हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे हमेशा अपनी इस भूल का अफसोस रहेगा। दोस्तों यह एक बिल्कुल सच्ची घटना है जो मेरे ही एक दोस्त के साथ आज से 2 साल पहले घटी थी। आज तो होमोसेक्सुअलिटी इंडिया में लीगल है, लेकिन 2 साल पहले नहीं थी, इसलिए कई लोग इसका बहुत गलत फायदा उठाते थे और ब्लैकमेलिंग करते थे। अब चाहे ये लीगल है, लेकिन फिर भी अभी भी कई लोग ऐसा करते हैं और ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप लोग किसी को भी अपने घर पर पहली मुलाकात में कभी ना बुलाएं।
पहले पहल दो चार बार बाहर मिले और जब विश्वास कायम हो जाए उसके बाद ही सोच विचार करके ऐसा करें। मैं नहीं चाहता कि जैसे मेरे इस दोस्त के साथ हुआ वैसा किसी और के साथ भी हो, इसलिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।